आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए नैनीताल जिले में लगातार संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुशीला तिवारी और डीआरडीओ कोविड चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी बेड, ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड, इमरजेंसी और सैंपलिंग जगह का भी निरीक्षण किया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल से पूरी जानकारी ली। वहीं सुशीला तिवारी के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि तीसरी लहर को देखते हुए डीआरडीओ के अंदर 500 बेड तैयार किए गए हैं, जिसमें 125 आईसीयू और 375 जनरल बेड है और तीसरी लहर के चलते बच्चों के लिए भी लगभग 60 बेड आईसीयू के रिजर्व रखे गए हैं। वहीं अगर रोगियों की संख्या बढ़ती है तो सुशीला तिवारी चिकित्सालय को भी कोविड सेंट्रल बना दिया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। आज की तारीख में हमारे यहाँ जो डीआरडी हॉस्पिटल है उसमें 500 बेड हैं, हमारे यहाँ पूरे तैयार हैं वो, इसमें से 375 जनरल बेड हैं और 125 हमारे उसमें आईसीयू बेड्स हैं। उस 125 हमने 60 जो है हमने पीडियाट्रिक्स के रिजर्व भी कर रखे हैं, जरूरत पड़ेगी हो जाएगा, तो पहले पूरी तैयारी वही है हमारी। फिर अगर आवश्यकता पड़ती है, अभी तो शुरू है इस पर पूरा चल रहा है पहले की तरह, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो फेस मैनर में पिछले साल की तरह यहाँ भी इसको उसमें कन्वर्ट किया सकता है। तो ऑक्सीजन को लेकर पिछली बार भी दिक्कत है, ऑक्सीजन को लेकर आई थी और बच्चों को कोविड को लेकर क्या कितने बेड बच्चों के लिए बनाए गए और ऑक्सीजन की क्या सुविधा यहाँ पर जो प्लांट कितने डेली के सिलेंडर निकालता है? अब ऑक्सीजन की ऐसी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी 5000 LPM के करीबन हमारे प्लांट्स यहाँ हैं, तीनों चल रहे हैं हमारे वो हैं, चाहे एज नीड पे हम कर लेंगे तो ऑक्सीजन की वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिलेंडर्स भी हैं, वो भी हैं, तो उसकी कमी नहीं होगी। एजेंसियाँ बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही हैं जी, कहीं पर भी अगर इस प्रकार का मामला होता तो कड़ी कार्रवाई उनको। सीएम साहब, विपक्ष जो है आचार संहिता उल्लंघन की बातें कह रहे हैं, बेड डेट में कई सारे ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, कई सारी नियुक्तियाँ की जा रही है, खनन के मामले में हो, बद्रीकेदार मंदिर समिति हो या कोई आयोग समिति हो, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, ऐसा कोई नहीं है, आचार संहिता लगने के बाद कोई आदेश हो ही नहीं सकता। जो भी आदेश है आचार संहिता से पहले के हैं और उस पर चुनाव आयोग ने भी जो हमारे सरकार से और शासन से जो मांगा होगा उसको दे दिया। सर, आपके यूं तो चमोली जिले की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लंबी कतारों के कारण प्रत्याशी घोषित करने में अभी भी माथापच्ची का दौर जो है वो बना हुआ है। इन सबके बीच यहां वामपंथी दलों ने अपने संयुक्त प्रत्याशी के रूप में भाकपा माले के तेजतर्रार और जन आंदोलनों में मुखरता से अपनी मजबूत भागीदारी करने वाले गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष इंद्रेश मैखूरी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इंद्रेश मैखूरी इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनावों में कर्णप्रयाग से वामपंथ के प्रत्याशी रहे थे। हमारी ये कोशिश है कि विधानसभा के भीतर जनता के आंदोलनों, जनता के संघर्षों की आवाज पहुंचे। पिछले 20-21 सालों में बारी बारी से सत्ताएं बदलती रही, लेकिन उत्तराखंड के जो सवाल हैं, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल, रोजगार का सवाल, जल जंगल जमीन पर अधिकार का सवाल, स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाए जाने का सवाल, यहाँ के मजदूरों, किसानों, दलितों, अल्पसंख्यकों के जो मसले हैं, वो तमाम सवालों की गूंज विधानसभा के भीतर नहीं सुनाई देती है। इसलिए हमारी कोशिश है कि सड़क के संघर्षों की आवाज़ विधानसभा में पहुँचे, विधानसभा में एक क्रांतिकारी विपक्ष का निर्माण हो, इसलिए इस चुनाव में हम हैं। वहीं हरिद्वार में ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया है, जहां पर उन बता दें कि ज्वालापुर विधानसभा के विधायक सुरेश राठौर ने अपने विधानसभा के गांव दर गांव जाकर अभियान चलाया और कहा कि आने वाली 14 फरवरी को मतदान जरूर करें और कहा कि जैसा आपने मुझे बहुमत से विजयी करा था, अब की बार फिर से मुझे विजयी बनाएं। जितना पिछली बार विधानसभा में कार्य किया है उससे अधिक कार्य करके दिखाऊंगा और जनता को हमेशा अपने साथ रखूंगा। 14 फरवरी को चुनाव है, जनता को जागरूक करने के लिए, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। इसमें जैसे मतलब आजकल ये नई नई पार्टियाँ आ रही, इसको सब सारी पार्टी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो बहुत सारी आती रहती जाती रहती है। बीजेपी का आंकड़ा 60 के पार करने का ज्वालापुर विधानसभा
पहले से 3 गुने मतों से जीतने का है इलेक्शन और वो उसको हम पूरा करेंगे। वहीं नई टिहरी में उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने मकर संक्रांति के अवसर पर और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धने ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि यह नया दल है, एक बार मुझे भी विधानसभा जाने का अवसर मिला जिसका मुझको अनुभव है, उसी अनुभव को सम्मिलित करते हुए हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है। आगे कहा कि उत्तराखंड को लेकर जो भी मूल मुद्दे हैं उन सभी का ध्यान रखा जाएगा। पत्र कह रहे हैं हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये नया दल है और मुझे भी एक बार विधानसभा जाने का अवसर मिला, लेकिन वो उन अनुभवों को संकलित करते हुए आज आपके सामने कह सकता हूं कि हमारा जो घोषणा पत्र है ये उत्तराखंड को लेकर है, जिसमें मूल निवास भी एक बहुत प्रमुख मुद्दा है और इसके अलावा भी सारे प्रमुख मुद्दे हैं। हम अगर जनता का हमको आशीर्वाद मिला और हम जनता से मांग करते हैं कि हमारे जितने भी प्रत्याशी, मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करना चाहूँगा कि मुझे अगर 4 विधायक भी उत्तराखंड की जनता ने दिए, कम से कम अगर 4 विधायक भी, तो ये जो संकल्प पत्र है मैं अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि ये संकल्प पत्र ये सरकार का संकल्प पत्र होगा, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन और जो मुद्दे हैं उन पर भी हम यथाशक्ति यथासंभव हम इसको क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। अगली खबर कालाडूंगी से है, जहां पर फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने अपने उत्पादों की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से सापेक्ष बुरांश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की गई। बुरांश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष नवीन जोशी ने बताया कि भारत सरकार तथा नाबार्ड के सहयोग से संस्थान निरंतर प्रगति पर अग्रसर है और मैचिंग ब्रांड के रूप में संस्था को 4,25,000 नाबार्ड ने दिया है। समारोह में बेसिक्स के परियोजना अधिकारी SP चतुर्वेदी और निदेशक देवी दयाल तिवारी ने संस्थान के बारे में बताया कि वर्तमान में संस्थान द्वारा 14 उत्पाद बनाए जा रहे हैं जो भविष्य में और उत्पाद बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहीं कोरोना के कहर को देखते हुए ऋषिकेश के गंगा घाटों पर स्नान के लिए लगाए गए प्रतिबंध की वजह से मकर संक्रांति का स्नान नहीं हुआ। गंगा घाटों पर सुबह से ही पुलिस फोर्स तैनात रही है। जो श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे हुए थे उन्हें पुलिस ने बैरंग लौटा दिया है। हालांकि मां भगवती राजेश्वरी की टोली को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए गंगा में स्नान कराया गया। माँ भगवती राजेश्वरी माँ भगवती दक्षिण काली की डोली जो है मूल स्थान इसका जो है चिन्याली सौट बड़ी थी उत्तरकाशी में है। माँ भगवती यहाँ पे जो है कम से कम 8-9 साल से देहरादून में रहती है। माँ भगवती का दरबार लगता है प्रत्येक रविवार, प्रत्येक शुक्रवार को माता का दरबार लगता है और सभी भक्तजन वहाँ पे अपने कष्ट निवारण के लिए आते हैं। माँ भगवती दक्षिण काली का राजेश्वरी माँ का दरबार लगता है ईश्वर विहार दीपनगर में, जो कि नारी निकेतन से इसका रूट पड़ता है यूनिवर्सिटी रोड से। और माँ भगवती वहाँ पे प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को माता वहाँ पे अपने दर्शन देती हैं। अगली खबर मसूरी से है, जहां पर पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ओमिक्रॉन का सीधा असर पर्यटन पर भी देखने को मिल रहा है। व्यवसाय भय से हिस्से में जीने को मजबूर है। लॉकडाउन की आशंका से इस वक्त वहां के लोग ग्रसित हैं। हिमपात होने के बावजूद भी पर्यटन नगरी में पर्यटकों की संख्या में अब भारी गिरावट देखी जा रही है। वहीं उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने बताया कि प्रेरकों की संख्या में भारी कमी होने के चलते होटल व्यवसाय पर इसका खासा असर पड़ रहा है, साथ ही शहर के दुकानदार भी इससे प्रभावित हैं। उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और पर्यटकों के सहारे ही यहां का व्यवसाय चलता है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऋषिकेश में राजनीतिक गर्माहट काफी तेज हो गई है। इस बार राजनीति की आग को हवा देने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री भगवत राम कोठारी हैं। उन्होंने भाजपा हाईकमान पर ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय चेहरे को तवज्जो न देने का आरोप लगाया है। वहीं उनका साफ कहना है कि पैराशूट प्रत्याशियों की वजह से आज तक ऋषिकेश का विकास नहीं हो सका है।
अगर कोई सच्चाई आप जानना चाहते हो तो ये एक रिफ्ट अंदर अंदर चल रही थी कि मेरे से बिना बात किए मैंने भाभी जी के लिए टिकट मांगा। मैंने आज सार्वजनिक कर दी सारी बातें कि मैंने भाभी जी के लिए टिकट मांगा, तो आपको पहले मेरे साथ बैठना चाहिए था कि इसको क्या करेंगे, हराना है या जिताना है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, मैंने अपने कमिटमेंट को अपने लिए निभाना है, मुझे किसी को खुश करने के लिए नहीं निभाना है। मैं पार्टी में हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि कैंडिडेट हर हालत में जीते। आपने यहाँ भी देखा हुआ है और जब मैं कभी कांग्रेस में रहा हूँ वहाँ भी देखा हुआ है कि मैं अपनी बात से नहीं जा सकता। अपनी जान से तो जा सकता हूँ लेकिन अपनी बात से नहीं जा। वहीं सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करना उत्तम माना जाता है। वहीं मकर संक्रांति पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले पवित्र स्नान पर रोक लगने के कारण हर की पौड़ी क्षेत्र को सील कर दिया गया है। इसलिए इस बार मकर संक्रांति स्नान पर्व पर यहां सन्नाटा छाया हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पुलिस प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। हर की पैड़ी क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र को भी सील कर दिया गया है। वहीं ऋषिकेश में हरिद्वार रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास गीता नगर में एक विवादित भूमि पर फिर से लाठी डंडों के बल पर कब्जा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस मामले में भूमि पर काबिज पक्ष ने IDPL चौकी पुलिस को तहरीर देकर जबरदस्ती कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान तहरीर में काबिज पक्ष के बुजुर्ग ने बताया कि जब वो अपनी जमीन पर मौजूद थे इस दौरान ट्रॉली में भरकर 30 से 35 लोग पहुंचे और जिन्होंने मौके पर खड़ी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। यह सब देखकर आसपास के मौजूद लोगों ने दो हमलावरों को पकड़ लिया जिन्हें पुलिस के हवाले सौंप दिया गया है। आज वीरवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, हम लोग घर पे रहते रेस्ट करते। 1:30 बजे करीब, 1:45 बजे करीब 50-60 बदमाश हमारे फादर अपने प्लॉट में बैठे थे हमारी ज़मीन में, जिसमें DM ने और कोर्ट से भी हमारा सब आ रखा है कि हम मालिक हैं। मालिकाना का हमारे फादर का 60 साल से बिजली पानी किराएदार। आज सडनली 50-60 बदमाश 4-5 कोनों से आए, कुल्हाड़ी सब्बल ले कर डंडे ले कर और मतलब मारने, जान से मारने की प्रयास। और जैसे मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हुए, लेडीज इकट्ठी हुई है, आदमी इकट्ठे हुए हैं, 400-500 लोग आए, उन्हें देख के भागे हैं। अपना नाथी राम, क्या हुआ था आज? आज ऐसा है भाई, ये 60 साल से हमारे पास ये ज़मीन है, DM का ऑर्डर सबका हमारे पास है, कागज़ सब हमारे पास है, तो फिर ये जो है क्या कह 50-60 घुंटे ले कर आया बाबा और ये हमारी दीवार धूल सब तोड़ दी उसने। अच्छा। और पिस्तौल चाकू भाले सब लेके खोखे खाके सब तोड़ दिए। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर टिहरी जनपद की पुलिस ने चुनाव को लेकर सुरक्षा समेत तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है। इस दौरान जिले और थाना क्षेत्र के नाकों पर चेकिंग को लेकर सुरक्षा से जुड़े सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया है। वहीं पर SSP ने पुलिस कर्मियों को स्थानीय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखने के भी निर्देश दिए हैं। अभी BSF की दो कंपनी जनपद को आवंटित हुई हैं, तो उसमें एक कंपनी टिहरी नई टिहरी में और एक कंपनी मुनिकृति क्षेत्र में अभी व्यवस्थापित की गई है। एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च और पिकेट ड्यूटीज जो है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरामिलिट्री के साथ में। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस पूरी तरह गियर अप है इलेक्शन कराने के लिए। इसमें 107-16 CRPC की कार्रवाई, 110G गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, इसके तहत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो जनपद में शस्त्र हैं वो लगभग 75% हमने जमा करा लिए हैं और इसमें मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि अगले 4 दिन में हम इसको 100% जमा करा लेंगे। अगर कोई शस्त्र जमा नहीं करता है तो उसके लाइसेंस कैंसिलेशन की रिपोर्ट हम प्रेषित कर रहे हैं, उसका लाइसेंस जो है उसका निरस्तीकरण हो जाएगा उसके लाइसेंस का। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए Prime TV के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।